हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत करेवाल वॉक्स। तो गाइस, आज किसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं किस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ वो तो आप वीडियो के टाइटल थंबनेल देख के यार समझ गए होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के चलते मैं अपना जो है कंटेंट है वो आप प्रॉपर नहीं शूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही। क्योंकि हाल ही में यहाँ पर अभी थोड़ा सा यहाँ से दूर एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसकी वजह से यहाँ पर सब बंद हो चुका है। पहले तो सब कुछ ठीक था, तो वीडियोस वगैरह मैं बना लेता था, तो अब थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ सुनी है कि केरल में एक हथनी को किसी ने बम खिला के, मतलब कि फल में बम दे दिया है, और वो खा के उसकी उससे हत्या हो गई है। तो सोच के यार बड़ा ही ज़्यादा मतलब कि दुख हुआ कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है यार कोई, मतलब कि एक गर्भवती मतलब कि एक हथनी को किसी ने बम खिला दिया यार, ये कैसे कर सकता है कोई। सुन के बहुत ही ज़्यादा मेरे को दुख लगा, तो मैं मतलब कि मजबूर हो गया कि कैमरा उठा दिया कि यार वीडियो बनानी है, जो मर्जी हो गया बताना है इस चीज़ के बारे में। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये तो माइंस बिछाए थे सुअर के लिए, जंगली सुअर होते हैं उनको मारने के लिए बिछाए गए हैं, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानता। आप क्या मानते हो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि 100 मुँह हैं 100 बातें। माँ तो यार माँ होती है, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो हो जानवर की, दर्द तो उसको भी होता है। तो सबसे ज़्यादा दर्द तो यार माँ के दिल में होता है, तो आपको वो चीज़ आपको समझनी चाहिए यार कि यार ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। बल्कि यार कैसे लोग हैं यार, कैसी इंसानियत आ गई है। क्या ये आज आपको ये सब कुछ पता, आपको भी ये पता है कि अभी ये जो दुनिया में बिल्कुल चल रहा है, ये कोरोना वायरस ये सब कुछ चल रहा है, ये इसी की वजह से चल रहा है। क्योंकि हम जो गलत करते हैं फिर वो बल्कि बोलते हैं जो हम बीजते हैं वही हमारे सामने आता है, तो वही हो रहा है कि जो हम बीज रहे हैं वही हम काट रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यार गलत हुआ है कि यह होना नहीं चाहिए था। पर मतलब कि मैं आपको एक बात बताने चाहता हूँ कि यार इंसान से अच्छे मतलब कि जानवर होते हैं। अब मान लो कल आप एक कुत्ता पाल रहे हो घर पे, है ना, तो कुत्ता आप पाल रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, अच्छे से उसकी देखभाल कर रहे हो, उसको खिला रहे हो पिला रहे हो, है ना, उसको घुमाने लेके जा रहे हो, उसको अच्छे एक बेटे की तरह उसकी देखभाल कर रहे हो। आप देखो कल दिन आपकी मान लो कि किसी पड़ोसी से हो जाती है लड़ाई, है ना, तो मैंने मतलब कि खुद अपनी आंखों से देखा है। देखिए हमारे घर के पास एक पड़ोसी की भी लड़ाई, तो उनका कुत्ता क्या करता था, उसका मतलब कि पाँव का जो कपड़ा होता है उसको खींच के अंदर लेके जाता था। तो इसके मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब कि जानवर जो है इंसानों से अच्छे हैं। बल्कि आप इंसान को खिलाओगे तो वो अगले दिन खा के भूल जाएगा, पर अगर उस वही आप किसी जानवर को खिलाओगे, किसी ऐसे प्राणी को खिलाओगे जो बेजुबान है, वो हमेशा आपको याद रखेगा ज़िंदगी भर। तो मैं आपको लोगों को यार सबको ये मतलब एक मैसेज देना चाहता हूँ, बल्कि मुझे कुछ व्यूज या कुछ सब्सक्राइबर्स कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ उस चीज़ से मतलब है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ यार जानवर जो है वो इंसान से अच्छे होते हैं। यार नहीं करना चाहिए था ऐसे, यार आपको बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ हुई है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अपने घरों में अच्छे तरीके से रहें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, बाहर जान ज़्यादा जाएँ, अभी थोड़ा मतलब कि जब तक सही सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक ना जाएँ बाहर, और सेफ रहें। एंड अब तक के लिए बाय।